और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि उस तबके में खवातीन का भी हम ट्रांसजेंडर को डील करते हैं, हम बच्चों को डील करते हैं जो घर से भागे हुए हैं या उसकी वजह से माँ बाप ने निगलेक्ट कर दिया है, घर से निकाला होगा या नशे के आदि हो गए या बुजुर्ग अफराद। अब बुजुर्गों के साथ क्या क्या मसले मिसाइल हैं, आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर उसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद खवातीन, इसके अलावा मजदूर अफराद, ये कैटेगरीज है जिनको हम डील करते हैं। अब हमारी वर्किंग कैसे होती है, हमारे साथ एनजीओ का कोलैबोरेशन, हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं स्कूलों में जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं ताकि उन्हें पढ़ाएं, उनकी कफालत करें और उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, बजाय ये कि उस रोड से वो किसी ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ जाएं कि जो उनके हाथ पाँव तोड़ कर उनको भिखारी बना दे या उनको ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करा के सारी ज़िंदगी के लिए उसे ख़त्म कर दे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, या उसको, आपको पता है ये बच्चे भी इस्तेमाल होते हैं ड्रग्स के लेन देन को चलाने के लिए और मतलब कोई भी बुरी एक्टिविटी, उनसे बचाने के लिए हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करते हैं। SOS है हमारे साथ, और भी हैं कुछ NGOs जो काम करती हैं। ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन के हवाले से जो हमारा बड़ा फोकस है कि ट्रांसजेंडर को तालीम दिलाई जाए, उनको तालीम दिलाने के लिए भी हमारे साथ कुछ NGOs काम कर रही हैं जो इनको तालीम बालगा का उनका प्रोग्राम है और वो इनको 10,000 रुपया वजीफे की मद में भी देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो इनकी स्किल ट्रेनिंग भी करते हैं, जिस तरह का कोई भी ट्रांसजेंडर कोर्स करना चाहे उनकी स्किल ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो भिखारी ना बने, लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, अपने तशख्स को कायम कर सकें और इस सोसाइटी में खुद को एक मुफीद शहरी बना सकें, उनको जॉब मिल सके। और सेक्स वर्किंग बहुत करते हैं, इस चीज़ से भी इनको हटाया जा सके। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा नंबर है, मुझे अफसोस होता है ये कहने से क्या कहते वक्त कि वो एड्स का शिकार। तो ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज मुमकिन है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये आपने दवाई खाते रहना तो आपकी लाइफ जो है वो स्टे करेगी, जिस दिन आपने एक डोज भी मिस कर दी तो आप फिर पीछे आ जाते। उनको इन चीज़ों से बचाना, वो एक जॉब करें, अच्छे शहरी बने, मतलब हम अपना काम कर रहे हैं। आगे से रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा भी है, कई जगहों पे बहुत बुरा भी है। अब एक नया जो इनिशिएटिव है वो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, बल्कि आपसे मदद भी लेना चाहूँगी। कामरान भाई से मैंने पहले भी बात की है, एक तहफ़ दसगाह के नाम से लाहौर में एक बोर्डिंग स्कूल बनाया सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के। अब देखें हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। अब उसमें थीम ये है कि हमने ऐसे बच्चे, ट्रांस बच्चों को वहाँ पर एडमिशन कराना है जिनको अभी सोसाइटी की हवा नहीं लगी है, पेरेंट्स को पता है कि वो ट्रांस हैं, अभी एज में छोटे हैं, अभी वो किसी गुरु के हाथ नहीं चढ़े, वो किसी सेक्स वर्किंग में नहीं पड़े या किसी डांस वाले काम में नहीं पड़े, भिखारी नहीं बने। तो हम चाहते हैं कि उनको ऐसे ही उठाएँ मासूमों को और तहफ़ुज़ दस्तगाह में डाल दें ताकि वो वहाँ पर पढ़े, स्किल ट्रेनिंग करें और उसके बाद वो उस सोसाइटी का हिस्सा ही ना बने। ये नहीं है कि वहाँ पे उनकी सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो ट्रांस है, ये एक जबिल्लत है। ये तहफ़्फ़ुज़ वर्कर्स जो बने हैं, सबसे पहले ये फिक्र बना था जिसको लीड कर इसी लहर में था, उसके बाद आजी साहब ने ये सोचा कि वायलेंस, हरासमेंट या बहुत से इस तरह की चीज़ें जो हर जगह पर बहुत सारी मतलब हो रही हैं, तो उन्होंने फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर फैसलाबाद में भी खोल दिया और बाकी पंजाब के सभी ज़िला में खोला, क्योंकि उन्होंने समझा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी बात को सुना नहीं जाता। और वो जब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मेरे पास अब आते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल है इस मतलब पोस्ट के लिए चुना, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं इतनी कुछ रखती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के मसलों को सुन के उनका हल करती हूँ। सबसे पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में एप्लीकेशन आती है, उसके बाद उसको हम ई टैग करके थाने में रेफर करते हैं,
फिर मैं ऐसे छोटे ऐसे साथ के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हूँ, थोड़ा सा फॉलोअप लेती हूँ। तीन दिन की टाइम लाइन होती है जिसमें ट्रांसजेंडर के मसलों को हल कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारी कम्युनिटी के लिए लिया गया और हमें एक अच्छा शहरी बनने का मौका मिला। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जिस समाज रहने जिसकी साड़ी तरबियत है जिसे मतलब कि हम यूरोप भी मेरा ख्याल है तो थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश कर रहा है लेकिन शायद टाइम गुजरना आ जाए तो आ जाए लेकिन जिड़ी चीज़ों से बिगाड़ एक दफ़ा पै जाता है उन्होंने कवर करना बड़ा मुश्किल है। किसी भी चीज़ ठीक न चलाना कोई एडा वा मसला नहीं लेकिन किसी ठीक न खराब करके ठीक करना जोड़ा ना वो बड़ा वाला मसला है। तो मैं अपन भैनों अपन बेटियां ये जरूर कहंगा कि अपने हकूक के बारे जरूर पता होना चाहिए और वो हर तरह की फाइट भी करनी चाहिए लेकिन रोंग वे जाके कोई चीज़ ऐसी देखो बुजुर्ग हमेशा जो माशरे के वसनीक हाँ उत्थे जॉइंट फैमिली सिस्टम है शुरू तो और जॉइंट फैमिली सिस्टम एडा मजबूत फैमिली सिस्टम है कि जिनी देर तक ये असी रहे हैं उन्नी देर तक ठीक रहे हैं। अज मैडम इस गल की गवाह ने कि कचहरिया जो फैमिली केसिस ने बरमार लगी पी वो सब तो वीडी गल है कि बच्चे बाशऊर हो गए हैं उन्होंने शऊर आ गया हमें शौर कि ये तुम पता है जी देखे ना पहला वालदैन कदे भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते है ना जी जिन्हें ने ईवन के मैं तो अक्सर बच्चों का अगर इस तरह का हो तो प्रोग्राम तो यह समझना कि देखो वालदैन वो जड़े ने बच्चों इन्ना सैक्रीफाइस करते हैं कि अपने सगे भैन भाइयों भी किसी मोड़ पर जाके बच्चों की वजह से छोड़ देते अपनी हर तरह की तवानाई जी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ असी जिंदगी नहीं कर सके वो साढ़े बच्चे करन लेकिन फर्क कितने आता है मसाइल कितने पैदा होते हैं जो भरोसे टुटते हैं जो एतमाद टुटते ये असी क्योंकि बेहतर ये नहीं कि खुदा नखास्ता कि सिर्फ एतमाद या भरोसा बेटिया तो होंगे बेटिया तो नहीं होंगे उन्ना ही बेटिया बेटिया भी होंगे लेकिन उन्होंने ही थोड़ा जहा सा कोलाइड दवा करो तो कम है कोई नहीं आप ठीक हो जाएगा लेकिन बेटी भी क्योंकि असं केयरफुल हाँ इस माशरी माशरती कदर के हवाले असी जिनी जिनी केयर बेटी की कर रहे हैं देखो गो के पिछलियाँ मावं मुंडे को दो किलो वनगियां धी को लस्सी भी नहीं दिन होगी लेकिन हूँ माशरे से कोई चीज़ा मौजूद नहीं है लेकिन कोशिश यही करो कि कोई भी डिसीजन लवो कोई भी अगर तुम किसी तरफ जाना चाह रहे हो तो कम अज़ कम अपने बजुर्गों अपने सीनियर और खास तौर पर वालदैन मैं सारिया भैनों छोटिया बेटिया रिक्वेस्ट कराँगा कि इन्होंने वालदैन ने जिन्हें तो इन कुर्बानियां दिखाई कि जिन्हें वजह तो आई तुम इस स्टेज पर हो इस प्लेटफॉर्म पर हो। अगर देखा जाए तो ये काम जो है वो औरत ही औरत ही जन्म देती है औरत ही सुधारने वाली है औरत ही बदारने वाली है। अगर देखा जाए तो इक्वालिटी जो है वो हम माँ ने करनी है जेंडर अवेयरनेस भी इसमें ऐसे ही जेंडर अवेयरनेस में हम देखते हैं कि हम घरों से शुरू करते हैं अगर दो बच्चे हैं बेटा है बेटी है तो क्या करते हैं माँ क्या करती है अगर साधन बनाती है तो क्या करती है इलेक्ट्री जो है वो मेरे बेटे के लिए है पहले निकाल देती है बेटी के लिए क्या है जो बाकी बचेगा वो बेटी खा लेगी क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे लिए दोनों बराबर है अगर एक बच्चे को हम इज्जत देते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए उतना ही है। औरत ही काम खींचती है औरत के दुख को समझती है ये ऐसा शुरू कर देते हैं कि बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बेटी को कम देते हैं तो फर्क तो वहाँ पे आ गए। आप अभी पढ़ते हो लड़कियाँ हैं लेकिन एक दिन आपकी भी शादियाँ होनी हैं हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। जब हम फर्क डाल देते हैं तो क्या होता है
वो बच्चा तो सर पे चढ़ जाता है, लड़कियां बेचारी पिछके रह जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने घरों में अभी 20 लड़कियां अगर बैठी हैं तो 20ों के 20 अगर अपने घरों में जाके बताएंगी अपनी माँ को तो थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। 20 तो नहीं समझेंगी, 10 तो समझेंगी ना, तो वो 10 जो समझेंगी वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो हमने आज से कोशिश करनी है कि इसको ख़त्म करना है। अब देखा जाए मेजॉरिटी किन की है, ख़राब होने वाले ज़्यादा लड़के हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने जी उन्होंने मांगा है मुझे ये मोबाइल चाहिए, माँ ने कहा कर्जा उठा लिया है, कर्जा ले लिया है, कमेटी डाली है, बच्चे को मोबाइल अच्छा ले दिया, बेटी को वैसे का वैसे ही निगलेक्ट कर दिया है, बच्चे को अच्छे कपड़े ले गई हैं लड़के को, और लड़की वह अच्छे स्कूल में डाल दिया, गवर्नमेंट स्कूल में लड़की को भेज दिया। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हमें इसको ख़त्म करना है। हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है, जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम तरक्की जो है वो ज़्यादा होगी। इंफॉर्मेशन शायद मेरे तक ना पहुँचती, जैसे कि जितनी लोगों ने कहा आज के सेशन में बातें की है, पमीता ने, नदीन ने, सर सब ने, और मैडम शहीन नैना और मैडम को ना की खासकर जब गवर्नमेंट इतने खवातीन की प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर के हवाले से, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग समझते शायद मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें हम ट्रांसजेंडर की भी बात करें। पमीता ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ट्रांसजेंडर जो है ना उन पर भी बहुत सारे तशद्दुद होते हैं, जब पैदा होते हैं बच्चे जब पता ही नहीं चलता ये मेल है या फीमेल है, तो जब पता चलता है ये ट्रांसजेंडर है तो उन पर ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है बच्चियों से ज़्यादा। एक छोटे से बच्चे को जब अपने खानदान से या अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है तो वो बच्चा ही जो उन पर बीतती है वो ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा भी साथी फाउंडेशन के साथ जो कि उधर ऑफिस में आना जाना है, हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में सेमिनार्स पे ट्रेनिंग पे आते हैं और वो शेयर करते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बचपन हमारा जो इतना तशद्दुद में गुजरा है, हमारी फैमिली वाले हम पे इतना तशद्दुद करते हैं और हमें अलग कर दिया जाता है। हमारे बहन भाई कई दफ़ा माँ बाप भी मजबूर, हमारी सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर को इतना बुरा समझा जाता है और इसी सोच को लेके हमारी फैमिली वाले भी कि शर्म हमें क्या, लोग हमें क्या इज्जत की निगाह से देखेंगे कि अगर हम उनको पता चला कि ये एक ट्रांसजेंडर इस घर में इस फैमिली में पैदा हुआ है। तो इसलिए हमें अपनी सोचों में अपने रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। ये नहीं है कि एक बंदे को उसकी सिंह की बुनियाद पर ये कहा जाए कि ये बंदा ये नहीं कर सकता। जैसे कि हमारी सोसाइटी में ये बात मशहूर है कि जी लड़कियों ने पढ़ के क्या करना है कि धोने तो इन्होंने बर्तन ही है, ठीक है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ के बर्तनों जो धोती है उसमें भी फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये बात नहीं है, देखिए एक पढ़ी लिखी औरत एक अच्छा माशरा बनाती है, उसमें एक औरत पे एक नस्ल डिपेंड कर रही होती है, और जब एक औरत जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी नस्ल को अच्छे तरीके से लेके चलेगी, वो अपने बच्चों की अपने खानदान को जो है वो अच्छे तरीके से आगे लेके जो है वो चलेगी, ठीक है। इसमें ये है कि हम ये नहीं कहते कि जैसे बाजी ने बात की कि हमारे घर में जो है वो बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर अच्छा खाना है तो वो ज़्यादा जो है वो बच्चे को तरजीह दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हम ये कहते हैं कि औरत जो है वो कमज़ोर होती है और उसको जो है वो कमज़ोर तरीन ही समझा जाता है। मैं अपनी और जो है वो नरीन की मिसाल दूंगी कि अभी जब हम यहाँ आने से पहले भी हमारी चैटिंग चल रही थी और हम डिस्कस कर रहे थे शादी वाली हम दोनों ही रह गई हैं, बाकी जितनी भी जो है वो हमारे साथ पढ़ती थी, क्योंकि नरीन जो है वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम स्कूल से जो है वो इकट्ठी पढ़ती थी, और आज अगर देखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि हम दोनों की एक पहचान है, एक नाम है कम्युनिटी में, पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे, कि हमारा वो अपने जिस प्रोफेशन में है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हूँ। और मैं ये नहीं समझती, जैसे कि नरीन बता रही थी कि उसके दादा अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो वकील बने, जब हम स्कूल में होती थी ना तो तब भी ये हमेशा यही कहती थी कि मेरे दादा अब्बू कहते कि ना तुम वकील बनो, और मैंने ना अपने दादा अब्बू का ख्वाब जो है वो पूरा करना है।
और उसने अपने दादाबू का ख्वाब पूरा किया और वो एक वकील बनी और एक बहुत अच्छी वकील बनी। हम देखते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो फीमेल्स हैं वो वकील बहुत कम होती हैं, और हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि हमारी एक यंग जो है वो फीमेल वकील जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद है। इसी तरह से पिछले साल जो है वो हमने एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल यूथ डे पे, इंटरनेशनल यूथ डे का मौका था और एक बहुत ही बड़ा जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और हम दोनों ही वहाँ की अवार्डीज थी, हम दोनों को ही जो है वो अवार्ड मिला था। तो बताने का मकसद ये है कि आपके सामने आप अपनी ही कम्युनिटी से एग्जाम्पल्स को ले लें, आपको बड़ी एग्जाम्पल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेल है उसको जो है वो ऊपर रखा गया और फीमेल को नीचे रखा गया है, ऐसी है ना। तो इसी तरह अगर हम लोग नेचर के हिसाब से देखें तो फिजिकली अगर हम लोग बायोलॉजिकली तौर पर देखें तो तब भी जो मेल है वो ज़्यादा पावरफुल है अगर हम लोग जब कंपैरिजन किए करें फीमेल के साथ। तो अगर इन दोनों कंपैरिजन में देखा जाए तो मेल जो है वो जिस्मानी तौर पर भी हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर है, वो हर लिहाज से है, लेकिन मेजोरिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए, अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ज्यादा जो मेल्स हैं तो इनकी चलती है, फीमेल जो है उनकी चलेगी नहीं। हम लोगों का एक क्योंकि ये हम लोगों ने एक माइंड बना लिया हुआ, जैसे हम लोग रिलीजन में एक मजहब में हम लोग हैं तो मजहब में तो फर्के हम लोगों ने खुद बना लिए हुए हैं, फिरके हम लोगों ने खुद बना लिए हैं कि हाँ अगर हम क्रिश्चियनिटी की ही बात करें तो प्रेस्बिटेरियन जो है उनको हम लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो कैथोलिक है उनको हम लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन क्या है कि मानते तो हम लोग एक को है ना, लेकिन वो एक चीज वो हम लोगों ने एक अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो उसमें भी माइंडसेट हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। अगर देखा जाए तो अगर अभी की सोसाइटी में देखा जाए तो जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं। मैं एक कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ लेकिन जस्ट मैं एक जो रियलिटी है वो बता रही हूँ कि जैसे कि रिसेंटली इन्होंने भी बताया कि हम लोगों में क्या होता है कि जो लड़कियाँ वो कम पढ़ती हैं लेकिन लड़कियाँ जो वो ज़्यादा पढ़ती हैं। अभी हमारे नेबर्स में ही हैं एक लड़की जो है वो उसका भाई उसने मैट्रिक किया हुआ है, फैमिली भी मिडिल है, इतनी मतलब वो है नहीं है कि रिच हो या अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, और उनकी जो सिस्टर है वो BS ऑनर्स कर रही है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं करवाने दे रही इस वजह से कि वो लड़की है। कहते नहीं पढ़ना जितना वो पढ़ दो, जब शादी हो जाएगी अगले घर जाओगे ना तो फिर अगर जॉब करनी हो तो कर ले, अगर अगले घर वाले ऐसे हो तो वो जॉब ना करने दो फिर क्या करें। देन फिर मैंने उनको ये चीज़ बोली कि इतना फिर पढ़ाती हूँ रेज अगर आप उससे जॉब नहीं करवानी, जरूरी नहीं कि जॉब जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, हम लोग भी तो करते हैं ना, लेकिन वो चीज़ जो है वो एक हम लोगों ने देखनी है कि हम लोग उसको किस तरीके से फेस करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की जब बाहर निकलती है तो उसको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। जब आपको अपने आप पे यकीन है ना कि आप ये काम कर सकते हो या आप किसी में भी रहकर कुछ भी कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ ना कि वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो काम आप किसी और के कहने से करते हो तो आप कामयाबी नहीं हासिल करोगे, इवन दैट कि आपको डिग्रेड ही किया जाएगा। जैसे कि अभी मैडम गुरनाथ ने भी आपके सामने बात की है कि एक लड़की है जब तक उसे पता ना कि अगर उसने कुछ गलत काम नहीं किया तो वो सबके सामने जो है वो डंके की चोट पे कुछ भी बोल सकती है कि मैंने ये करना है। अगर उसे खुद में एतमाद है कि उसे खुद में एतबार है कि मैं ये काम कर सकती हूँ तो वो कर सकती है। अभी मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तो फर्स्ट एक साल तो तकरीबन मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने मतलब मेल्स में से गुजरना तो ध्यान रखना कि हाँ सर पे दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया हुआ है, कोई लड़का जो किस निगाह से देख रहा है या कैसे देख रहा है, मीन्स ये चीज़ होती थी। और इवन दैट कि मैंने अदालत में भी जाना तो जहाँ पे मेजोरिटी लड़कों के ना तो मैंने पीछे से गुजर जाना, लेकिन मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि अगर आप जब आप लॉयर बन जाते ना तो आप में मेल और फीमेल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप फीमेल हो आपने ऐसे गुजरना है या आपने ऐसे, कहते आप अगर लॉयर बन गए इट मीन्स कि आप अगर लड़के खड़े हैं तो आपको ये है कि आपने उनमें से उसके उनके बीच में से गुजर के जाना है ताकि उनको पता हो कि हाँ आप में वो डिग्निटी है, आप में वो एतमाद है कि आप जो वो काम कर सकते हो। तो अभी ये कि मुझे 6 साल हो गए अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,